ब्रेकअप होने के बाद बहुत सारे लोग अपने एक्स को वापस पाने के लिए उसी समय पे बहुत सारी गलतियां करना स्टार्ट कर देते। कुछ सोचे समझे बिना वो अपने एक्स को वापस पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते, लेकिन उनकी एक भी चीज़ काम नहीं होती, क्योंकि वो गलत दिशा में जा रहे होते। उनके ऐसे करने से बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि उसका एक्स उसकी लाइफ में कभी वापस नहीं आता। 90% तक रिजल्ट ये होता है कि उसका एक्स उसकी लाइफ में वापस नहीं आता, क्योंकि ब्रेकअप के बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की होती है। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जिनका ब्रेकअप हो जाता है लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उनमें अपने पार्टनर के लिए फीलिंग नहीं होती, इसलिए उनको ब्रेकअप हो या ना हो उससे उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग कुछ करते ही नहीं, अपने एक्स के बारे में सोचते ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे उनको रिजल्ट क्या मिलता है पता आपको? 50% उनको ऐसा रिजल्ट मिलता है कि उसका एक्स अपने आप ही उसकी लाइफ में वापस आ जाता है, यानी कि उनका 50-50 चांस तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ ना करने से होता है। यह हमें ऐसे लगता है कि वो कुछ नहीं करते इसका रिजल्ट है, लेकिन वो ना करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप उसका एक्स कर रहा होता है और उसका ही उनको रिजल्ट मिलता है चुप रहने का। तीसरी चीज, अगर आप सोच समझ कर प्लानिंग बना के अपने एक्स को वापस पाना चाहते हो तो 90% यहाँ पे आपके पास चांसेस बनते हैं कि एक्स पार्टनर आपका आपकी लाइफ में वापस आ जाता है। दोस्तों अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया और आप खुद चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप दिल से अपने पार्टनर को चाहते हो, उनको अपना बनाना चाहते हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए। मैं अच्छी तरह से आपको पूरी तरह से समझाना चाहता हूँ कि कैसे आसानी से आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पा सकते हो, और इसलिए मैं सिर्फ इस वीडियो में अपनी बात खत्म नहीं करूंगा। इसके लिए 4 से 5 पार्ट बनेंगे वीडियो के, जिसमें मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले पार्ट से, कि जब आपका ब्रेकअप होता है तब आपको क्या करना होता है एग्जैक्टली। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको खुद को ही संभालना होता है, आपको और कुछ पहले स्टेज में नहीं करना होता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रेकअप होने के बाद ही अपने पार्टनर के पीछे पड़ जाते, उनको मैसेज करते, उनको बताते कि आप उसे कितना प्यार करते, उनके बिना नहीं रह सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया ये जानते हुए भी कि आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन वो आपसे इरिटेट हो गए, आपसे परेशान हो गए, और इस समय पे आपको उन्हें जाने देना चाहिए। आपको खुद अपने आप को संभालने के बारे में सोचना चाहिए। आपके मन में बहुत सारी परेशानी होगी, आपको लगता होगा कि आपने अपने पार्टनर को हमेशा के लिए खो दिया। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप पे विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप किसी इंसान को एक बार इंप्रेस कर सकते हैं तो आप उस इंसान को दूसरी बार भी इंप्रेस कर लेंगे। आपकी लाइफ में ब्रेकअप होना आपके लिए बहुत ही नाजुक एक पल होता है, ये मोमेंट होता है जहाँ पे आपको खुद को संभालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप इमोशनल हो गए और अपने पार्टनर के लिए आपने ऐसी सारी गलतियाँ कर दी तो आपसे दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिल से नहीं, थोड़ा दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ के आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि कैसे आप अपने एक्स पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में लाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अगर आप उनको प्यार करते तो आपके इमोशन आपके कंट्रोल के बाहर हो गए, अब ना चाहते हो भी उनको मिलना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, तो यहाँ पे अपने आप को संभालना है आपको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं संभाल सकते तो दोस्तों यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा आपके लिए कि आपके एक्स को वापस आपकी लाइफ में लाया जाए। फर्स्ट स्टेज में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को संभालना होगा, अपने आप को ये बताना होगा कि आपका एक्स पार्टनर आपसे कहीं दूर नहीं चले गए, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया उसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया, फिर से आप इन सारी चीज़ों को सही कर सकते हो। इसके लिए आपको टाइम देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस समय में मुश्किल घड़ी में जब आप अकेले होते तब आप अपने आप को कैसे संभालोगे, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रोते रहते हैं, अपने आप को बंद कर लेते, बाहर नहीं निकलते या अपना काम नहीं करते। आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको दर्द हुआ है, आपको पेन हुआ है, अगर आपको रोना आ रहा है तो मैं कहता हूँ कि अपने आप को एक दिन बंद करके रो लीजिएगा। जितना भी आपको रोना है रो लीजिए, क्योंकि ये आपका एक इमोशन है जो बाहर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद जो आपकी रूटीन चीज़ें होती है उनको करते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप अकेले रहोगे, जब तक आप उनके बारे में सोचोगे, आपको उनके बारे में ख्याल आएगा और आप अपने आप को रोक नहीं सकोगे उनसे बात करने के लिए। दोस्तों हमारा पहला पार्ट यहाँ तक ही रखते हैं, हम उसके बाद बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट रूल के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते तो कॉमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए और अपनी लव लाइफ को बेटर लव लाइफ बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दूसरे पार्ट में। थैंक यू। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.